दोस्तों, अगर एक घर में दो भाई है और अगर दोनों भी भाई बहुत खुशहाली से रह रहे, दोनों की भाई की एकजुट है, और इस चिश्ती में अगर दोनों भाई में कोई आपस में उसकी लड़ाई लड़ा दे, दोनों भाई आपस में एक दूसरे से झगड़ा मोल ले या एक दूसरे के विरोध हो जाए, तो दोस्तों आपको क्या लगता है, वो भाइयों को कोई भी मिटा सकता है ना? बिल्कुल दोस्तों, वैसी ही सिचुएशन हमारे समाज में की हुई है। दोस्तों, मैं सभी इतिहास और सभी संस्कृतियाँ का यहाँ पे विवेचन करता हूँ, आपको बताता हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। उस प्रॉब्लम के बारे में मैंने बहुत सोच विचार किया था कि मैं इसमें ना बोलूँ, लेकिन बोलने की मुझे ज़रूरत आ रही है दोस्तों, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब तक हमारे जड़ से नहीं जाएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गोंड और प्रधान इस दरार की, मैं बात कर रहा हूँ गोंड और प्रधानों की। अगर जिन किनको लगता है कि ये वीडियो देखने से उनको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, और ऐसा भी लगता है कुछ लोग जो सुशिक्षित होते हैं उनको लगता है कि गोंड और प्रधान भिन्न भिन्न अंग है, तो प्लीज़ ये मेरा वीडियो पूरा देखें, आपको समझ आ जाएगा कि गोंड और प्रधान क्या है और इनमें दरार पाड़ने की साजिश कब से हो रही है और ये क्यों सफल हो रही है। जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात आप जान लो दोस्तों कि मैं जो बता रहा हूँ, मैं अभी इतिहास की बात करूँगा तो पांडी पारिक उपारलिंगों ने जो गोंडी धर्म रखे दिया है तो वो एक गोंड जाति के लिए नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ, गोंडवाना यानि गोंड जाति नहीं, गोंडवाना यानि यह भूभाग जो यूरेशिया खंड के बाद यह भूभाग था, और इसीलिए ये गोंडवाना जो नाम हो गया है या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो नाम हो गया, आपको दिख रहा है वो बाहर, तो वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सिर्फ गोंडों की पार्टी नहीं है या गोंडों के लिए नहीं बनाया गया है, तो वो गोंडवाना भू प्रदेश यानी जितना एरिया है गोंडवाना का, वहाँ पे सभी धर्मों के सभी जाति के लोग आ रहे हैं, तो ये गोंडवाना एक प्रदेश का नाम है। गोंड जाति में गोंडी धर्म सिर्फ गोंड जाति के लिए नहीं है, तो गोंडी धर्म के गोंडी जाति के कोई उपजात भी है, उसको हम प्रधान कहते हैं, कोई पाटालीर कहता है, कोई पाटाड़ी कहता है, तो ये प्रधान जात है। तो ये प्रधान ये गोंड की एक उपजमात है, यानी ये एक ही घर के दो भाई है। मुझे एक बताओ आप कि आप यहाँ पे, मैं कभी कभी देखता हूँ किसी गांव में किसी शहर में गोंड प्रधान की यूनियन अलग अलग मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्यों? और अगर आपको भेदभाव करना ही है, आप मानते हैं कि गोंडों से अगर प्रधान भिन्न है तो फिर प्रधान अपने टोटेम क्यों यूज़ करते हैं, प्रधान सजोर पेन परसा पेन को क्यों मानते हैं, प्रधान के देव क्यों होते हैं, प्रधान क्यों गोंडी धर्म का अनुकरण करते हैं? भाइयों, अगर गोंडों को लगता है कि प्रधान भिन्न है, प्रधान को लगता है गोंडो भिन्न है, तो दोनों ही मूर्ख है, कोई भिन्न नहीं है। पांडी पारिक उपारलिंगों के संगीत गुरु कौन थे, हीरासुका पाटालीर, जो प्रधान के प्रभाव में आते हैं। फिर आप बात कौन सी कर रहे हैं, पांडी पारिक उपारलिंगों ने हीरासुका पाटालीर से संगीत गुरु की दीक्षा ली, और हीरासुका पाटालीर ने जब कचारगढ़ में 33 बच्चों को छुड़ाना था तब वह शहीद हुए, और उनके शहीद होने से वो 33 बच्चों और वो गोंडी धर्म का वहाँ पे निर्माण हुआ है, आप जानते हो, और ये दोनों भाइयों की वजह से इस समाज का गोंडी धर्म का निर्माण हुआ है। तो आप ये कम ज़्यादा क्यों कर रहे हो? कोई एक आता है बड़ा आदमी, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन दिन आने पर, वक्त आने पर उनका नाम भी लूँगा, क्योंकि ये बहुत मुझे, आप ये क्यों कर रहे हो, ये भेदभाव क्यों चल रहा है आप में? प्रधान की जगह है गोंड घर, गोंड के जगह है ना, ये दोनों भाई मिल रहे हैं ना, किसी को मिलने दे रहे। हमारे एरिया में मैं देखते जाता हूँ हर गांव में गोंड प्रधान का सिस्टम चालू है, क्यों? अगर भाई आप जानते हो, इतना तो इतिहास जानते हो, कोई पढ़ा लिखा मेरा वीडियो देख रहा है तो ये तो जानता है कि जब से ये गोंडवाना भू प्रदेश था हम सब लोग गोंड थे, मैं भी था, सब लोग थे और आज भी है हम लोग, लेकिन क्या है, जैसे काम की वजह से इनकी जातियाँ पड़ती गई, समझ रहे हो आप, जो मिट्टी के काम करते गया वो कुंभार होते गया, लोहे के काम करता है वो लोहार होता गया, चमड़े के काम करता गया वो दूसरा होते गया, ऐसे बहुत सारे काम होते गए। प्रधान एक गोंडों की संस्कृति यानी गोंडों के पाटे गाना, उनकी शादियां करके देना, उनके परंपराएं निभाना, उनके
वाद्य बजाना, गाना गाने गाना, ऐसे काम करने लगे। तो इसका नाम क्या हुआ कि प्रधान खेती के काम या मेहनत के काम बहुत कम करते थे और ऐसे काम ज़्यादा करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा गोंडों का, गोंड राजाओं का यहाँ पे अगर आप इतिहास देख लो तो वहाँ पे राजपाट राजा चलाते थे, लेकिन उनका नियंत्रण प्रणाली जो उनके सिस्टम को लिख के रखता था या उसको संभालता था वो प्रधान था। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको? हर गांव में मैं देखता हूँ कि गोंड प्रधान एक, मैं आपके सभी ये निकालने वाला हूँ ना, इतिहास बोलता है, मैं यही बता, मैं हर बात इतिहास पे क्यों डालता हूँ, क्योंकि मैं किताबें पढ़ता हूँ और किसी किताब में प्रधान का गोंड द्वेष करता है या गोंड प्रधान का द्वेष करता है ये कहीं लिखा नहीं है। ये आप लोगों ने या ये बीच में आ गए 50-60 सालों में ज़्यादा लोग होशियार हो गए अकल से ज़्यादा, और उन्होंने यहाँ पे प्रधान और गोंड की दरार डाल दी। अभी मैं एक बात बता दूँ, गोंड और प्रधान समुदाय जैसे महाराष्ट्र में बहुत बड़ी तादाद में है, वैसा बाहर भी MP में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। तो अगर आप ये बात जान लो कि गोंड, हम जो गोंड है वो एक हो रहे हैं और एक होके हमारी एकजुटता दिखा रहे हैं, अगर ये प्रधान लोग हम मिल जाएंगे तो कितनी बड़ी तादाद होंगी हमारी, ये कोई सोच रहा है? नहीं। हमें किस षड्यंत्र के मार्फत अलग किया गया मालूम है आपको? आपके दिमाग में भरा हुआ घुसा, जो भूसा भरा है जिसको लगता है कि प्रधान हमसे अलग है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपके दिमाग में जो बीज बोया गया है ना वो बीज गलत है, और वो बीज बोया हुआ अगर आपको लगता है कि मेरे दादा ने मुझे, परदादा ने मुझे बताया कि प्रधान हमसे भिन्न है, तो आपके परदादा को भी बताने वाला कोई दूसरी कास्ट का इंसान है। और वो इंसान क्यों बता रहा था? क्योंकि उसको करना था पॉलिटिक्स, उसको मालूम था प्रधान और गोंड एक आ जाएंगे तो उनको हराना मुश्किल है, तो इसको दो कर देंगे। अभी दो कर दिए तो क्या हो गया? थोड़ी थोड़ी ताकत कम हो गई ना। फोड़ा आनी जोड़ा, फोड़ो और जोड़ो, फोड़ो और मारो, ऐसा षड्यंत्र बहुत पहले से चालू है दोस्तों। अगर आप अगर ये बात नहीं समझ सकते तो फिर क्या करेंगे, क्या खाकी इतिहास बनाएंगे आप लोग? मैं सभी को निवेदन करूंगा, जैसे हीरा सुखा पाटालीर थे वैसे ही हमारे धर्मगुरु पहांदी पारी कुपार लिंगो है, और ये प्रधान और गोंड ये अलग जाति नहीं है, हम एक ही घर के एक रक्त के इंसान हैं और हम एक ही जाति है। मैं यही बता दूं कि प्रधान ये गोंडों की एक उपजमात है, गोंडों का ही अंग है, गोंडों का ही एक सिस्टम है, और प्रधानों के सभी त्यौहार सभी वो गोंडी धर्मी होते हैं। लेकिन मैं अभी फिलहाल मैं पिछले दिन में मैं गया था एक गांव में ना, वहाँ पे देखा मैंने कि प्रधान और गोंडों का बहुत सारा संघर्ष चल रहा है वहाँ पे। उनको इतिहास बताने वाला कोई नहीं है, अगर बता दिए, आप लोगों को बताओ कि इतिहास ऐसा है आप ये एक हो जाओ, तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसे खतरनाक संस्कार बनाए हैं कि ये आज के पीढ़ी के लिए बहुत घातक है। तो दोस्तों आप, मैं ऐसे नहीं मानता, कोई कट्टर आदमी देख रहा है जो इनमें बीच में वाला होगा तो मुझे कोई लेना देना नहीं तुमसे, मैं जो बता रहा हूँ वो बात सही है, वो किताब से ढूंढी हुई है। अगर तुमको लगता है कि प्रधान अलग है तो मुझे किताब ला के दिखाओ, कौन सा किताब है और किस लेखक ने कहा है। कंगाली साहब ने सीधा बता दिया है कि गोंड की उपजमात प्रधान है, आप किससे और कौन से संशोधक से ला रहे बात यहाँ से? मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ दोस्तों, अगर गोंडवाना को एक जगह लाना है तो प्रधान और गोंड की संस्कृति एक जगह लानी पड़ेगी। एक जगह आप खड़े रहोगे तभी कुछ होगा, नहीं तो ये प्रधान है मैं इसको शामिल नहीं करूँगा, ये गोंडे मैं इसको शामिल नहीं करूँगा, तो ऐसे ही रह जाओगे, आपको फूट फूट के लोग मार डालेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये वीडियो इसी के लिए है कि प्रधान और गोंड एक ही घर के एक ही रक्त के आदमी हैं, और इनके गोत्र टोटेम सब ये गोंडी धर्म के अनुयायी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो प्लीज़ आगे के बार अगर ये भेदभाव करना हो तो 10 बार सोचना है, क्योंकि आप भेदभाव करोगे आपका अनुकरण आने वाली पीढ़ी करेगी, उसका अनुकरण आने वाली पीढ़ी के बिन बेवजह हमारे लोगों में फूट पड़ती जाएगी। तो मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ सभी को कि ये गोंड प्रधान वाला भेदभाव छोड़ दे, एक जगह आए और सभी को मिला के चले। हम जब बोलते हैं ना एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान, तो ये बात हमारे तत्वों में भी बैठनी चाहिए। आज हम यहाँ पे एक बोलेंगे वहाँ पे एक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये वीडियो अगर पूरा देखने के बाद आपको लगता है कि नहीं यार मैं गलत कह रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि क्या गलत कह रहा हूँ, उसके पहलू क्या है, मैं उस पर डबल एक वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको लगता है कि ये बात में कुछ दम है
तो प्लीज़ यार प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने भाइयों तक पहुँचाएँ। ये प्रधान गोंड वाला जो भी विरोध वाला सिस्टम है जल्दी से जल्दी मिट जाए और हम नई जनरेशन, नई जो पीढ़ी आज काम कर रही है वो मिलजुल के काम करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे मालूम है आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप शेयर वगैरह करोगे। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक राजा राव नानवम शरण भूमि मावा, राजा राव नानवम शरण भूमि मावा। इदवर्व गड़त दर्वा साले कसा कसलवा, इदवर्व गड़त दर्वा साले कसा कसलवा, राजा महाराजा लीरा युद्ध भूमि मावा।